नमस्ते दोस्तों, YouTube क्रिंज कंटेंट आईडी की अपील्स में नमस्ते दोस्तों, हिंदी में इस क्रिएटर के लिए अपडेट्स वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैश है और हम इस वीडियो में अपने क्रिएटर्स के लिए YouTube पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक्स को जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमने हाल ही में कुछ एक्साइटिंग घोषणाएं की हैं और इनका मकसद YouTube पर अगले साल होने वाले बड़े अपडेट्स को हाईलाइट करना है। इन अपडेट्स सभी तरह के क्रिएटर्स को पुरस्कृत करने और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स को YouTube पर कमाई करने की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हर अपडेट के बारे में खास जानकारी दी गई है। क्रिएटर्स YPP पर एक नई शॉर्ट्स थ्रेशहोल्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिनके चैनल के सदस्यों की संख्या 1000 हो और साथ ही पिछले 90 दिनों में उनके शॉर्ट वीडियोस पर 1 करोड़ व्यूज आए हो। हम YPP में शामिल क्रिएटर्स के लिए कार्यक्रम की जरूरी शर्तों को आसान बनाएंगे। इससे क्रिएटर्स फैन फंडिंग की सुविधा को और भी कम समय में एक्सेस कर पाएंगे। इससे सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल मेंबरशिप्स की सुविधा मौजूद है। 2023 की शुरुआत में YPP में शामिल होने वाले सभी नए और मौजूदा क्रिएटर्स को रेवेन्यू के बंटवारे का फायदा मिलेगा। यह बंटवारा शॉर्ट स्पीड में शॉर्ट वीडियोस के बीच देखे जाने वाले एड्स से होने वाले रेवेन्यू के लिए किया जाएगा। हम सुपर थैंक्स को शॉर्ट्स पर उपलब्ध कराने के लिए एक नया बेटा प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। क्रिएटर म्यूजिक की नई सुविधा की मदद से स्टूडियो में लोकप्रिय गाने का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका कोई असर कंटेंट से होने वाली कमाई पर नहीं पड़ेगा। आपको ऑडियो ट्रैक्स का इस्तेमाल करने के लिए कई विकल्प मिलेंगे, जैसे पैसे चुकाकर म्यूजिक का इस्तेमाल करना या कलाकार और कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले के साथ एड से होने वाली रेवेन्यू के कुछ हिस्से का बंटवारा करना। हम इस सुविधा को सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च करेंगे और 2023 से हम दुनिया भर में यह उपलब्ध होगी। अगले साल भी कई अपडेट्स होंगे और हम आपको इनसे जुड़ी दिलचस्प जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। YouTube ऐप में मौजूद एनालिटिक्स की मदद से अपने फोन पर चैनल और शॉर्ट वीडियोस की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। इसमें आपको चैनल लेवल के एनालिटिक्स की जानकारी मिलती है। इसके लिए यूट्यूब ऐप खोले और सबसे ऊपर दाई ओर मौजूद प्रोफाइल आइकॉन पर टैप करें। इसके बाद योर चैनल और फिर एनालिटिक्स बटन पर टैप करें। साथ ही किसी खास शॉर्ट वीडियो के एनालिटिक्स देखने के लिए लाइब्रेरी पर जाए। इनके बाद योर वीडियोस पर जाए और फिर शॉर्ट वीडियो के हिसाब से फिल्टर करें। अपने शॉर्ट वीडियो के वॉच पेज पर जाने के बाद एनालिटिक्स पर क्लिक करें। हमें YouTube की कम्युनिटी से पता चला है कि पहचान के गलत इस्तेमाल से जुड़ा स्पैम एक गंभीर समस्या है। स्पैम को कम करने की कोशिश में हम 3 अपडेट्स शेयर करना चाहते हैं। इनसे हमारे दर्शकों और क्रिएटर्स को बैड एक्टर्स से बचाने में मदद मिलेगी। पहला अपडेट, 29 जुलाई से चैनल अपने सदस्यों की संख्या को नहीं छिपा पाएंगे। हमने देखा है कि बैड एक्टर्स अपने चैनल के सदस्यों की संख्या छिपाते हैं और ऐसा करके वे YouTube पर लोकप्रिय चैनलों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे कॉमेंट्स में दूसरे क्रिएटर्स होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद वे लोगों को किसी दूसरे के नाम का गलत इस्तेमाल करके बनाए गए अपने चैनल के पेज पर ले जाते हैं। दूसरा अपडेट, हमने YouTube स्टूडियो में कमेंट्स को मॉडरेट करने की बेहतर सेटिंग भी लॉन्च की है। सभी क्रिएटर्स इस नई सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उन्हें हेल्प फॉर रिव्यू टैब में इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस का विकल्प मिलेगा। इस सुविधा को चालू करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे चालू करने पर पहले से ज्यादा स्पैम और किसी दूसरे के नाम का गलत इस्तेमाल करके की गए कमेंट्स फिल्टर की जाएगी। तीसरा अपडेट, हम कुछ ऐसे वर्ण या कैरेक्टर्स कम कर रहे हैं जिन्हें क्रिएटर्स अपने चैनलों के नाम को अपडेट करते समय चुन सकते हैं। हमने अक्सर चैनल के नामों में विशेष वर्ण का इस्तेमाल किया हुआ देखा है। इससे वे जाने माने चैनलों के नाम का इस्तेमाल करके नकली चैनल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, इस बदलाव के बाद चैनलों के YouTube जैसे नाम नहीं सेट किया जा सकेगा। कंटेंट आईडी से जुड़ी प्रोसेस को लेकर हमारे पास आपके लिए 2 अपडेट्स हैं। पहला अपडेट अपील्स के बारे में है। आपको याद दिला दें कि अपील तब की जाती है जब कॉन्टेंट आईडी दावे के खिलाफ किया गया विरोध अस्वीकार हो जाता है। पहले विरोध की समीक्षा करने और इसका जवाब देने में दावेदार को ज्यादा से ज्यादा 30 दिन लगते थे। अब उन्हें 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा।
इसका मतलब है कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जवाब जल्दी से जल्दी मिलेगा। दूसरा अपडेट ब्लॉक किए गए दावों के बारे में है। अब सीधे अपील करें का विकल्प लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी मदद से क्रिएटर्स विरोध के शुरुआती चरण को छोड़कर सीधे अपील दर्ज कर सकते हैं। हालांकि अपील दर्ज करने की जरूरी शर्तें पूरे करने वाले क्रिएटर्स ही ऐसा कर सकते हैं। ब्लॉक किए गए दावे कमाई करने और चैनल के दर्शक को संख्या बढ़ाने और खास और तौर पर किया जाता है। इसलिए हमने यह नई विकल्प बनाया है ताकि सवालों के जवाब और जल्दी मिले। इसलिए अब ब्लॉक किए गए नए दावों के लिए कंटेंट आईडी के विरोध से जुड़ी पूरी प्रोसेस, जिसमें पहले 60 दिन तक का समय लगता था, अब 60 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या आपको गेमिंग पसंद है? यह अपडेट आपके लिए है। हमने YouTube गेमिंग के लिए हिंदी में एक नई गाइड लॉन्च किया है, जिसमें टिप्स और ट्रिक्स के 5 लेवल्स के साथ आप अपनी गेमिंग कंटेंट को और सशक्त भी बना सकते हैं। डिस्कवर करें कि आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी कैसा बना सकते हैं, इसे एनालिटिक्स के साथ अनुकूलित कर सकते हैं, अपने दर्शक को बढ़ा सकते हैं, साथी गेमर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और मजे करते हुए पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे भी कंटेंट क्रिएट करते हैं या गेमिंग करते हैं, youtube.com/creators/gaming पर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। परा, परा।